जानता है, और इसी तरह जो है ना टैक्सी भी अपने चक में लिखा हुआ है, और जो ध्यान अपने चक में लिखा है मानव दिवस का बराबर क्या मोहम्मद अब धर्म गुरु चेतन स्मरण की ध्यान न देना चेतना की मात्र पर यह धर्म को न बना देना। तो बड़े बड़े जो है ना पंडित लोग जो है ना बताते रहते इस बात से, तो 1924 से हम उनके दरमियान में जाकर वेदों से शास्त्रों से उन लोगों को तौहीद का इस्लाम में जाना जिक्र किए। और दूसरी बात हम मुसलमानों को ये बोलते हैं कि मुसलमान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही एक है, ये कितने बाजी से डरते हैं ना कि आने को पता है ये इस्लाम का नहीं है, ये मुस्लिया देख है इस कौम का नुकसान भी है, हरम पाक भी है, अल्लाह भी है, कुरान भी है, कुछ बड़ी बात भी हो जाए एक ही सत्य नबी तीन भी ईमान से कुछ बड़ी बात की होते जो मुसलमान भी है ये पाबंदी है कई और कई जाते हैं क्या जमाने में पनप नहीं की यही बात है। बिल्कुल है ना आपने कहा कि अगर कोई नॉन मुस्लिम दाखिल होता है इस्लाम में तो वह क्या बनेगा, या सुन्नी बनेगा, या देवबंदी बनेगा, या बरेली बनेगा। कुरान करीम में जो है देवबंदी बरेली शिया सुन्नी या अल्लाह सच्ची तरह कह दिया बल्कि मोहम्मद सलमान को मुस्लिम नहीं, तुम्हारा नाम अल्लाह ने मुसलमान रखा है और अपने आप को मुसलमान करो, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो हमारे फितने की तादीम करता है और जो हमारा जरिया खाता है उसको मुसलमान जाना जो कुल्ले का है कुल्ले का खाता होना चाहिए। यह जो है आलिमों की संगति है, अपनी बहन नजर में चेहरे नजर आए तो दूसरे कुल्ले वाले कुल्ले का फतवा है, हज की जाते सारी दुनिया के मुसलमान हर कुल्ले वाले हज की जाते एक ही इमाम के पीछे नमाज पढ़ते, वहाँ क्या सिखा है कुल्ले बाद में कुछ नहीं करने बाद। आज अगर गुजरात के अंदर मुसलमानों को खाना गया क्या देखा देखे खा रहे, सिर्फ जाना मुसलमान लफ्ज मुसलमान नाम सुनकर जाना उसको मारा गया, तो वो मुसलमान चाहे अहलेदी होगा शिया होगा या सुन्नी होगा वो इस्लाम के नाम से मरने के लिए तैयार हो रहा है, अपने आप को जरा इस्लाम नहीं छोड़ना चाहता। तो हम जाना खाना खाए तो मुसलमानों को इस्लाम का खारिज कर दें, अल्लाह का हुक्म जब रुकी नहीं आपका जाए और जो वो इस्लाम में दाखिल करो खारिज करना जो है हमारा काम है, आयुष करना लेना आलिमा बना और जो है छत्तों राजाओं को यहाँ की जो बानी जिंदा जुम्मन है छत्तों राजाओं को दावत इस्लाम दिए, और जिसमें से चार बड़े बड़े राजा जो है नेपाल के राजा महेंद्र सिंह उन्होंने जो है ना इस्लाम कबूल करे हजरत मौलाना किशन जिंदा साहब के हाथ में, और पटियाला की जो है राजा सिंह चरण सिंह उन्होंने जो है ना इस्लाम कबूल करे, और कर्नाटक में जो है नेपाली जो मुसलमान वहाँ के राजा उन्होंने इस्लाम कबूल किया, और उसके बाद जहाँ पर प्रतापगढ़ महाराज के अंदर जो ना महाराज के राज में सुना के पास तो उन्होंने जो है ना वहाँ के प्रतापगढ़ के राजा इस्लाम कबूल करे, और 700 बड़े बड़े पंडित धारवाड़ के जब वेदों से और वेद शास्त्रों से हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम को पेश करने वाली जब पहली तंजीम है सन 1924 से जो है, और साधुओं का रूप लेकर सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम देखकर बड़े बड़े पंडित यह समझते हैं कि यदि हमारे साधु है क्योंकि यह लिबास है एक तो सुन्नत है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरवा लिबास पहना है, और जो है आम किताब जो हम पहन रहे हैं तब्दील जो बताए अमर किताब है उसके समय नंबर 44 पर लिखा हुआ है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उद्दार से उद्दार की बात गहरवा की बात था, और यह हुजूर की सुन्नत है। और दूसरी बात हिंदुस्तान के जो 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 यहाँ की जो धर्माचारी है यहाँ के जो साधु संत सत्पुरुष जो जो है ना त्यागी है वो लोग जो है ना धर्म की मोहब्बत में अपनी दुनिया को कायम किए गए हैं, वो ही बात हम जो है ना अख्तियार कर रहे हैं जब हम मंदिरों में जाते हैं तो लोग गले से लगाते हैं, और जब हमारी बातें बड़े मोहब्बत और प्यार से जो है ना पीते हैं कई जो है ना पंडित लोग ईमान की दौर से जो है ना अपनी ईमान पूरी कर लेते हैं। तो बहरहाल ये संजीवन में हर जबान के बोलने वाले और जो है ना हर भाषा के बोलने वाले और मजहब की किताबों से इस्लाम के जुर्म में आपको रखा गया, लेकिन कोई अदालत आपको सजा नहीं मिली, हर अदालत जो है भारत तक चली गई, और उसके बाद हमारे हजरत मौलाना जो मिशन था अंजुमन के बानी है आपका ये इल्हाम है ये बशारत है कि तमाम हिंदुस्तान मुसलमान होने वाला है, ये अदालत की आवाज है ये जो है होके रहेगा। और यह खुशखबरी की बात मैं आपको सुनाऊंगा कि जब बाबरी मस्जिद का 1992 में जब बता शुरू हुआ तो 1990 में उसके बाद हमने एक बहुत बड़ा इतिहास यहाँ पर जो है ना फोटो है और उसके बड़े बड़े बैनर भी है हमारे पास, श्री रामचंद्र को बोधा पुस्तक किताब है, वो किताब में नमाज का पूरा जो है तरीका बनाए
कि रामचंद्र जी कह रहे थे प्रथम तारकम के बाद द्वितीय दंतम उच्चते तृतीय प्रकाराकारम चतुर्थम चंद्रकम पंचम बिंदु सत्यम और नित्य ज्योति रूपकम। अपने हनुमान भक्त जो है रामचंद्र जी कह रहे थे हनुमान तू जो है ना खुदा की इबादत करने के लिए प्रथम तारकम सेवा तारकम संस्कृत है उसको अर्थी में जो है ध्यान कहते हैं और ये चार दलीलों से अगर तू इबादत नहीं करेगा और नित्य न जाने से ब्रह्म नहीं भगत नहीं तू ब्रह्म ही नहीं हो सकता अल्लाह के अरमान में नहीं पा सकता। ये रामचंद्र जी हजारों साल पहले सीधा सत्ता प्रधानमंत्री जो है तो ये बड़ा इतिहास झरना बनाकर हम पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंदिरों पर झरना लगाए और बिहार का झरना और बताए रामचंद्र जी ऐसी तरह प्रार्थना करने के लिए जगह हुई है और तुम ऐसे प्रार्थना करने वालों को मारकर वहां पर जो रामचंद्र जी की जगह मृत्यु बिठाना चाहते हो इसमें जो है रामचंद्र जी खुद कह रहे कि आत्मा पूजा समाधान की पूजा पूजा रघो समाधान मतलब चेता आत्मा पूजा से बढ़कर कोई चेता पूजा नहीं है और जितने भी जन गिरा पूजा ये सब देश सहन कर दे एक मित्र वृंदावन की एक ब्रह्म एक है ना अग्नि चरण न आकाश न भूमि थी कोई चीज नहीं जब तक वो एक निराकार ब्रह्म तो जब है तारकम दंडम कुंडलाकारम अभय चंद्रकम ये चारों की जो तरतीब है हमसे नमाज पढ़ते हैं पहले ख्याल है उसके बाद में सज्जा है रुको है उसके बाद में सज्जा उसके बाद फायदा है लेकिन यहाँ पर तरतीब उल्टी बताए रामचंद्र जी ये इसलिए है कि ये नमाज के आने वाले अवतार की जो भविष्यवाणी देना था इसलिए पहले ख्याल के बाद में सज्जा बताए तो ख्याल का है करीब है और सज्जा है और जो ना फायदा नीम है और रुको जो है ना दाल है इसलिए इस तरह और एक पूरी कायनात के अंदर ये नमाज का फलसफा क्योंकि इंसान महाभूत बना है जिसको अनाज अरबा कहते हैं अनाज अरबा की चार मिट्टी हवा आग पानी जिसको जो है अग्नि और पृथ्वी जल वायु ये चारों से जुड़ा इंसान का पेट बना है ये चारों के चार जो है अलग अलग आकार है आग को आप लगा दीजिए सीधा खड़े हो जाए तो ये जो है तारक रूप में है और जो है पानी को अगर आप डालेंगे तो अपना माथा लगा देगा जमीन से ज्यादा वो दंडक रूप में है और मिट्टी को अगर डालेंगे तो जो है ना पूरा ऐसा एक जो है ना तोड़ा बन जाती जो बैठने की जो है रूप में आती वो दंडक रूप में है बैठ कर कायदे के रूप में है और हवा जो है हर चीज को झुका देती वो रुकू है तो जो है ना ये आग और जो है ना पानी और जो है ना मिट्टी और हवा ये चारों से जो है इंसान का वजू करा है जिसको अनंत रायबा या पंचमहाभूत पंचमहाभूत आकाश को भी बताया गया इस्लाम में जो है उसको आप उसको खराब कर गए खराब आकाश एक ही है और ये चार चीज जो है इंसान का पेट बना है तो ये आखिर कहते नमाज है नमाज में जो है अब बहुत जरूरत जो है गुरु पूजा जमीन की जो पूजा करते मिट्टी की जो पूजा करते असल में यह जाहिर मिट्टी की नहीं बल्कि इंसान के अंदर जो मिट्टी है उसकी जो है ना पूजा को जाहिर करने के लिए इंसान मिट्टी का पुतला है इसके अंदर जो हमारा है उससे तफावत जो है ना जाहिर हो जाते हैं आज जो है अग्नि की पूजा करते ये लोग के अंदर जो है अग्नि का बहुत बड़ा तस्कर आया तो ये अग्नि है जो इंसान के सामने जल रही है बल्कि तुम्हारे अंदर जो अहंकार की आग है तुम्हारे अंदर जो अनन्य की आग है इसको जाना तुम खाबों में करने जना दूंगी है तो ये जना आग का रूप है और जना पानी जैसा और गंगा में जाकर डुबकी लगाते हैं और हवा की जना वायु देवता की पूजा करते हैं ये वायु देवता अग्नि देवता जलदेवता भूदेवता ये जना ये आकार जना बनाकर पूजा करें हम ये बताते हैं कि इंसान के अंदर श्री रामचंद्र जी ने जो बताया है कि वह आध्यात्मिक रूप
में हमारे अंदर की जो शक्तियों को पाना है, अगर ये ऐसा है कि हमें अगर तुम झुका देंगे तो यह सही मन में इबादत और सही मन में प्रार्थना हो सकती है। तो जो जगह बड़े बड़े मंदिरों में जाकर नक्शे लगा कर सही होंगे, ये हमारी किस्मत है। लेकिन जो है ना सुनने वालों ने सुना, बड़े बड़े पंडित लोग यहाँ पर आए, इस्लाम कबूल करें, डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय है, आप नाम सुनते हैं बड़े बड़े सत्य यहाँ पर जो है खैराबाद है, मनीष तो जो है ना चौरानवे में जो है यहाँ पर डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय आए थे और यहाँ पर तकलीफ करते हैं कि बिना मैंने कल किताब लिखा था, यहाँ इस आश्रम में आने के बाद ऐसा मालूम होता है कि मेरे जाना बातों को कई साल पहले जाना यहाँ के जाना जो मुझे जी ने बयान किया है, बहुत बहुत उसमें यहाँ पर चार आठ दिन जो है ना बयान किए और यहाँ पर जो हमारे जो बड़े गुरु जी थे उनके हाथ में इस्लाम में घूम गए और उनका नाम गुरु महाराज बने रखे, उसके बाद में गए। तो महाराज ये जो शंका है इस बात को जरा मेरे मेरे पंडितों को भी स्वामी स्वामी मुंशानंद जी जो महाकुंभ में मैंने आपको इलाहाबाद में बुलाए थे, आपको मालूम है कि 1971 में महाकुंभ आया था, उस वक्त के 40 जना मुगल हरीफ थे मंदिर यहाँ से जो है महाकुंभ में जब के कोई मुसलमान तो वहाँ का जो है ना जाकर तकलीफ करने का ही वो भी इजाजत नहीं थी, लेकिन ये 40 जना कभी मुगल हरीफ वहाँ पर जाकर 40 दिन रहकर बल्कि 2 महीने जना मुसलमान रहकर इलाहाबाद से महाकुंभ में जो है ना तकारीफ किए और बड़े बड़े जना बैनर बना के लोगों को शरीर लोग हमारी बातों को कहना वो दाहरा होने लेते थे क्या जाना इसको दबाते वाले भी बहुत से लोग हैं, आप हम बेहतर जानते हैं हम का काम जब मैदान में होता है तो उसको दबाने वाले भी बहुत से लोग मिलते हैं। तो बहरहाल पंजाबी समाज में हर एक हिंदुस्तान के हर समाज में हमारे पास लिटरेचर है और हर समाज में हम लोग जो है ना दावत इस्लाम किए और जो है ना आज भी हम उसी काम में जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी को कहना दावत इस्लाम किए हमारे जो गुरु जी थे गांधी जी को कहना दावत इस्लाम किया 1936 में लेटर जो है ना हमारे पास मौजूद है उनको यह बताया कि गांधी जी आप जो है ना ये गोरखना कहकर इंसानों की जो है ना बरकरार बहुत नहीं कर सकते बल्कि इंसानों की रक्षा करना है तो ऐसे धर्म को जो है ना स्थापित करो जिससे सारे इंसानों को समानता मिल सके। ये बात जो है ना लेटर पर पूरा इस्लाम की बात आप जो है ना वायरल तौर पर 3 मरतबा दावत इस्लाम दिए, लेकिन जो है गांधी जी का नजरिया ज्यादा इस वजह से इस बात को ज्यादा लेकिन जो है बार बार ये बात बोलते रहे। और दूसरी बात जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उसके बाद भी जो है गांधी जी से मौलाना किशोर गुंडा साहब लेटर लिखकर जो बने के स्कूलों के अंदर मुसलमान बच्चों को जो है गीता पढ़ा और हिंदुओं को कुरान पढ़ा, क्योंकि गीता के अंदर जो तौहीद की तालीम है उससे जब मुसलमान जो है ना वाकिफ हो जाएंगे तो हिंदुओं के जो है ना जो देश जानकर उसके अंदर जो पाक तालीमत है उसमें ना गले लगाएंगे और तहलीम करेंगे, और जब कुरान की जैसे जो है ना तालीम हिंदुओं के दिलों में अगर उतरेगी तो हम नहीं जो है ना वो लोग इस्लाम लेके आएंगे और इस्लाम में आने के लिए उनके रास्ता साफ होगा कि मजहबी तालीम की जो है ना अगर काम करो। लेकिन आज जो है ना बहुत अफसोस से कहना पड़ता कि हमारे बच्चों जो है संस्कृति खत्म होती जा रही है और सियासी जो है ना तसादम पैदा हुए आपस में एक दूसरे की जो है ना गले काटने वाले जो है ना फसादा झगड़े पैदा हुए। तो बहरहाल ये आश्रम जो है ना 1924 से कोई मंदिर कोई चर्च कोई गुरुद्वारा ऐसा नहीं छूटा जहाँ पर हम नहीं गए साधु नहीं पहुंचे। 40 जना को कदम के मंडली लेकर पूरे हिंदुस्तान के अगर कानपुर में परेड मैदान में इतना बड़ा जो है चर्चा करे वहां पर जो है ना हमारे पंडित हमारे
जब श्लोक मंत्र पढ़ के समझा रहे थे तो मंत्रानंद जी श्लोक पे क्या क्या बोलते हैं, क्या है ब्राह्मण बोलो, क्या तुम्हें अगर कोई ऐसा है मंत्र श्लोक करने वाला, या मुसलमान होकर ऐसे जो ना हमारे मंत्र श्लोक करते हैं तो तुमको हरण करना पड़ना चाहिए। हमेशा हमारे जगह रवाबित रहेंगे, आप हमेशा आइए जिससे जो है ना आप हमारे जो कारनामे हैं जो यहाँ हिंदुस्तान के जमन है आपसे आगा कराते रहेंगे, आपको ये बताते रहेंगे और जो है ना इच्छा हमारे काफी आसानी होगी आपके लिए समझने को। दुनिया के आके जेल में गए जेल जाके नहीं गए ना करना पड़ा जो है मुझे कोई अगर मौका मिला थोड़ा सा आपके मुझे सीखा नहीं है मदीन तो हम भी दीनदार हो जाए बड़ी और साथ करते हैं लोग। ये देखिए आप मनोहर साहब अलीउद्दीन साहब हैं और आप भी कई लोगों को कनाडा के मुख्य मालाबारी साहब और गुलाम नबी साहब नक्शबंदी तीन सिरकों के लोगों की जगह जमा कर रहे हैं और थोड़ा सा अलग सा काम दिख रहा है। गुजारिश थी कि आप हजरात भी 4 तारीख को अलग साहब कॉलोनी की जो मस्जिद है फ्री नंबर 1 में, मस्जिद का नाम मुझे मालूम है जाना उसी कहते हैं उसमें 8 बजे अलग साहब 8 बजे उसमें नमाज पढ़ के वहीं प्रोग्राम होगा और 5 तारीख में सना गार्डन है 4 मीनार जी हाँ वहाँ पर सुबह 9:30 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। 10 बजे पहली तकरीर शुरू होगी जो तक हम टाइम की पाबंदी पर ख्याल करते हैं कि हमारे साथ में रहूँ पाबंदी ऐसे कुरान करीम में अल्लाह ताला टाइम की पाबंदी करता है 5 वक्त टाइम की पाबंदी तो मुसलमानों ज़्यादा कौन होता है, लेकिन हमें दूसरी तरीके से बताना पड़ा आर एस एस में रहा हूँ इसलिए टाइम की पाबंदी करें। सर तारक पूरे में फूल गुलाब का फूल कुदरतन उसके पीछे अल्लाह काटे रहे ऐसा जमातों में एक वो जमात है जो हिंदुस्तान के सदर उनसे जो है बैरों को इस्लाम की दावा देने के लिए जमात है, लेकिन हमारे पीछे भी काटे हो सकते कांटे एक बात और अगर ये कांटे नहीं होते इन फूल को कोई भी उड़ा सकता है। मौलाना करीम सिद्दीकी साहब अक्सर एक बात शेर सुनाते हैं कि तुम्हें ये गम है तुम्हें ये गम है तुम्हें ये गम है कि फूलों के साथ कांटे भी हैं, मुझे ये खुशी है कि कांटों के साथ फूल भी। और वो आपका हमारा रिश्ता दिख रहा है काटे काटे फूल क्योंकि हैदराबाद में 3-4 दिन तक आप प्रोग्राम अटेंड करेंगे जो जो लोग जो है उलमा है उनके सामने ये बात रखेंगे तो खुद उनकी जबान से सुनेंगे कि ये लोग जो है एक बात और मैं होमवर्क करने वाला आदमी रात को सोता नहीं हूँ तो जो रात पब्लिक पीछे हटती है तो किताबों के पास जाएंगे जब तक तालीम तरबियत नहीं होगी तब तक बोलेंगे के लिए हमको भी मददगार बनाइए यहाँ मैं तो ये चाहूँगा अगर आप हजरात के नंबर मुझे मिल जाए मेरे नंबर है ना इस पर ये जो नंबर है और ये मेरे ईमेल पर भी कभी कोई खास प्रोग्राम हो तो मैं यहाँ रहा तो मैं हमारे शेर है फिरकों से नशीरा का परेशान करो मिल्लत पे खुदा रा ये एहसान करो मैं सहन मुसलमान को तो काफिर कहना हिम्मत बकादर को फिरकाबंदी से जो है ना हम लोग बहुत दूर है मुसलमान कलमा को है कबला रोज नमाज पढ़ते हैं अल्लाह का नाम का जिबा जाता है उसके पीछे वो हमारे पीछे अखबार में आ रहा था आपके अभी आया मैं नहीं मिलेगी आपसे
آپ سے ملنا بول کے بہت خوش ہوں. آپ تیلگو کے مصدر ہیں میں نہیں. ہم اخبار میں پڑھے میرا بڑے برہمن آپ میرا بڑے جی ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور مولانا کنڑی اچھا آپ ایک کام کریں میرے ای میل پہ کنڑی میں کون ہے مراٹھی میں کون ہے کہیں میرے باہر ہندوستان میں پروگرام ہوتے ہیں تو میں بھی کوشش کروں گا ایک ساتھ پروگرام ہو جائے جو پروگرام ہوتے ہیں اور ویدوں کے حساب سے ان کا اپنا ایک لٹریچر جو ہے نا تھوڑا سا میرے خیال میں رہے ذہن میں رہے کہ کس کا کیا ٹاپک رہتا ہے. اچھی بات ہے ان شاء اللہ ضرور. لیکن ایک چیز میں پبلک کی جماعت سے زیادہ وابستہ رہتا ہوں. دیکھیے اس کی وجہ ہے دیکھیے اگر اسلام قبول کر لیا کسی نے اس کی تربیت صحیح نہیں ہوئی تو شروع میں ایمانیات جو ہے جماعت میں جا کر اس کا ہو جاتا ہے. اسلام قبول کرتے ہی اب میں اس کے پاس رکھ نہیں سکتا تو اس کو چھوڑ دوں گا تو بیٹھ جائے گا. تبلیغ کے جو پانی استھاپن کرے یہی مقصود سے کرے تھے شہروں میں تبلیغ بجائے. مولانا سانس صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوتے رہتے ہیں. تبلیغ جماعت کے جو مولانا الیاس صاحب تھے نا ان کے ہمارے ایک مبلغ جو میرے شکا ہوتے تھے انہیں ملے بولے یہ کیا خالی مسلمانوں میں کام کرے تو میں یہ مقصد نہیں ہے میرا اصلاح کے ساتھ جو ہے نا غیر قوم میں تبلیغ کام کریں گے. بھائی جو وہ بنیاد رکھے تھے بنیاد رکھے تھے وہ تو کیسا غریب بات ہے کام اور مولانا کنشید صاحب نے کہا کہ آج ایک بار انہوں نے کہا تاسا آرام کریں دوسرا بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن میرا ایک ذہن یہ ہوتا کہ جتنے بھی مسلکے ہیں یہاں پر سب کے لوگوں کو جمع کر کے یہ بہت بڑا کام ہے. تھوڑی مخالفت کر رہے ہیں لوگ کے ساتھ آپ لوگ ساتھ ہر حال میں تیار ہیں. اور 4 تاریخ میں اکتوبر منگل کا دن ہے کر لیں گے یہاں سے صبح سے لے کر انگریزی میں بہت بڑا کام ہوگا. محبت گھر تمہیں منظور ہے اعلان یہ کر دو نہ یہ فرقہ نہ وہ فرقہ مسلمان تھا مسلمان ہے. یہ ہمارے نظریات ہیں. اور آپ خواتین کا بھی انتظام وہاں پہ ہے تھوڑا آتے جاتے رہیے گا چلاتے چلو پریم کی گنگا بہاتے چلو نظریہ جو ہے آپ کا ہمارا ہمارا تعلق ہو تھا.